भोपाल के जंबूरी मैदान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजाति महासम्मेलन का आयोजन 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए डिंडोरी जिले के 7 विकास खंडों से लोगों को सहाड़ बसों के माध्यम से रवाना किया गया है। इस दौरान डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा और पुलिस अधीक्षक डिंडोरी ने भोपाल के लिए रवाना हो रही बसों का निरीक्षण किया और भोपाल जा रहे लोगों से चर्चा कर उन्हें समझाइश देते नजर आए। इन सहाड़ बसों से लगभग 2000 लोग कार्यक्रम में सम्मिलित होने डिंडोरी जिले से रवाना हो चुके हैं। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों से सहाड़ बसों को रवाना किया गया है, जिसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने बसों की जाँच कर पूरी व्यवस्था के साथ लगभग 2000 लोगों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रवाना किया। कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी बुला रहे हैं, बाकी समझ तो नहीं मालूम। यहाँ पे आपको क्या कह के ले जाया जा रहा है? भोपाल मंत्री आ रहा है, तो रैली प्रधानमंत्री जी, तो अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा तो आप अपने लिए क्या मांगेंगे, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए? फिर विकास करो, कहेंगे सर। विकास में क्या क्या मुद्दा रहेगा? खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी में क्या परेशानी आती है? पानी का साधन नहीं है, पानी दूर का। क्या व्यवस्था की गई है यहाँ से जाने से लेके भोपाल तक की? अपनी गाड़ी, नाश्ता पानी, खाना पानी क्या है? ये तो सब मतलब अभी तो घर से निकल रहा है। क्या रोकिंग, कहाँ रोकेंगे? पता नहीं, कुछ बताए हैं भोपाल ले जाके कहाँ रोकेंगे? आपकी क्या व्यवस्था है भोपाल में? कुछ नहीं बताया गया। कमल सिंह कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। आपको क्या कह के ले जाया जा रहा है भोपाल? हाँ, ऐसे कह के ले जा रहे हैं कि कोई दिवस की स्लीपर मिल रहा है। आपको खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, ये सब बताया गया है कि कहाँ पे है, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? नहीं, वो तो बताए नहीं है कि मतलब यहीं से मतलब नाश्ता वास्ता मिलेगा ऐसे बोले हैं। और वहाँ रहने की व्यवस्था? रहने की व्यवस्था अभी बताई नहीं है वहाँ। अच्छा, हो जाएगी। आप प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, उनकी रैली में जा रहे हैं? हाँ जी, है ना। अगर वहाँ आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला तो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए क्या मांग रखेंगे? मांग यही रहेगा कि गाँव में कुछ मतलब कुछ उद्योग है, जैसे मतलब खेती किसानी है, तो उसमें मतलब बांध वांध हर एक चीज़ के हैं, तो वो हो ही नहीं रहे हैं। उसमें क्या व्यवस्था है, कितनी बस गई? हमारे यहाँ से 60 बसें गई हैं, माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 60 बसों के लिए एक हफ्ते से पूरा प्रशिक्षण करा रहे थे। और माननीय जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, माननीय भूतपूर्व मंत्री और सभी संगठन के वनवासी कल्याण केंद्र के और जनजाति समाज के सभी लोग और जिला प्रशासन सामंजस्य से हम लोगों ने सभी से संपर्क किया और सबको बसों में खाना पानी नाश्ता सब हम लोगों ने व्यवस्था करवाई। और लगभग एक बस के पीछे 4 आदमी मॉडल करे, जिला स्तर के अधिकारी जैसे कि आप हमारे एग्जीक्यूटिव में सामने बैठे हैं, सभी नोडल अधिकारी पूरा चीज चेक करके RTO और जिला प्रशासन मनी एस पी साहब, नोडल अधिकारी हमारे अपर कलेक्टर महोदय ने भी काफी मेहनत करके सभी SDM सब लोग लेने हैं। अपने जिले के जो बसें जा रही है वहाँ बुकिंग व्यवस्था कहाँ पर? वहाँ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी है, वहाँ सब पूरा है। और वहाँ जिले के 3 अधिकारी पहले जा चुके हैं और वो 3 अधिकारी वहाँ इनको वेलकम करेंगे और वहाँ पूरा भोपाल का जिला प्रशासन है, विभाग है, और उनको वहाँ कोई दिक्कत नहीं, खाने रुकने का पूरा देख लेगा, वीडियोग्राफी करना है, सब कोई दिक्कत नहीं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।